हेलो हेलो फ्रेंड, आप फ्रेंड, आप सबके लिए सबके लिए बहुत ही बहुत टेस्टी टेस्टी और और सभी के रोजाना घरों भरों में में बनने एक दो वाले दिन ये अधिया कर कढ़ी बनने वाला पकौड़ा, पंजाबी ये कढ़ी पकौड़ा टेस्टी हमने आज कढ़ी आप सबके पकौड़ा लिए लेकर लेकर आए आए सभी हैं। के घरों इतना में अच्छा बनते ये हैं। पंजाबी देखिए कढ़ी कढ़ी पकौड़ा लग पकौड़ा रहा है, कितना अच्छा दिखने लग में रहा है कितना अच्छा लग आपको, रहा है देखने खाने में में इतना इतनी अच्छा लग रहा है, टेस्टी खाने है। में कितना अगर अच्छा लग, अगर ये आप हमारे पंजाबी वीडियो कढ़ी पर पकौड़ा नए है हो तो इसे वीडियो को लाइक एंड देखिएगा शेयर करिए और कितना सब्सक्राइब करिए स्वादिष्ट और और कितना बेल अच्छा आइकन दिख रहा दबाना ना है ये भूलें। कढ़ी पकौड़ा। अगर एक आपको बार आप हमारी इसे वीडियो कढ़ी पसंद पकौड़ा आए को तो जरूर आप जरूर बनाइएगा। राय कढ़ी दीजिए। पकौड़ा देखिए बनाने के हमने लिए एक हमने मिक्सी बाउल ले एक लिए हैं, मिक्सी बाउल में हम बेसन डालेंगे, बेसन डाल दिए हैं। अब एक कटा हुआ बारीकी प्याज रखेंगे, प्याज बारीकी कटा। अब हरी मिर्च इसमें रखेंगे, हरी मिर्च को रखकर अब इसमें क्रश करके अजवाइन रख दे रहे हैं जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे हम पकौड़ा बनाने के लिए इसका बेटर तैयार कर रहे हैं। अब इसमें हम मेथी क्रश करके डालेंगे, अब इसको स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें हल्दी हल्दी नमक डालकर इसे स्वाद अनुसार नमक डालकर अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे, बेसिक मसाले डालेंगे। देखिए मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और सभी को मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, अभी सबको मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने इसमें हल्दी पाउडर और मिर्ची डालकर और नमक, थोड़ा खाने वाला सोडा डाल दे रहे हैं। अब इसे पानी से हम मिक्स थोड़ी थोड़ी करके कर लेंगे और इसका बेटर बना लेंगे। देखिए इसका बेटर इसी तरह बना लेंगे और देखिए ये कितना अच्छा बेटर बनकर तैयार है। अब देखिए इसे थोड़ा हाथों से फेंट लेंगे, फेंटने के बाद देखिए ये तेल गर्म हो चुकी है। हमने गैस पे तेल कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम एक एक करके देखिए, तेल बहुत ज़्यादा गर्म थी, गर्म में ही पकौड़ा रखे जिससे ये चिपकता नहीं है और बहुत ही जल्द पकौड़ा बनकर तैयार हो जाता है। यह बहुत खाने में टेस्टी और लाजवाब लगता है, देखिए कितना जल्दी और बहुत ही अच्छा फूल कर तैयार हो जाएगा। आपको दिखाते हैं, अब इसको देखिए हाई फ्लेम था, अब थोड़ी जब रखने के बाद थोड़ी लो फ्लेम मतलब मीडियम फ्लेम कर लेंगे और इसे हम पलट लेंगे। देखिए यह कितना जल्दी यह फूल गया और पलटा गया, कितना अच्छा और क्रिस्पी दिखने में लग रहा है। यह बहुत ही जल्दी बन जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मीडियम करेंगे और इसको हाई फ्लेम पर ही थोड़ा तेल गर्म करेंगे जिससे पकौड़ा हमारा चिपके नहीं और अच्छी से, देखिए थोड़ा सा भी नहीं कढ़ाई में चिपका है और कितना अच्छा बनकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे, पकौड़े बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में टेस्टी भी लगते हैं, सबको पकौड़ा पसंद रहता है। देखिए पकौड़ा बनकर कितना लाजवाब टेस्टी बनकर तैयार है। अब चलते हैं कढ़ी की तरफ, एक लिए हैं मिक्सी बाउल। अब इसमें हम डालेंगे बेसन, इसमें हम डालेंगे दही, दही डाल दिए हैं 2 कलछुल दही। अब इसे मिक्स कर लेंगे, बड़ा वाला कलछुल से 2 कलछुल दही ले लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब इसे हम मिक्स कर ले रहे हैं एक मिक्सर से या सहायता से, यह बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। अब हम इसी में हम डालेंगे बेसन, अब इसे मैं दो चम्मच से हम बेसन डाल दिए हैं। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन का ही पेस्ट डालिए। अब हल्दी डालकर मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद यह बहुत ही अच्छा फटा जाएगा। जब इसे मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, लाल मिर्च को डालकर थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, बाद में तड़के में इसको अच्छा बनाने और तड़के में भी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक, नमक डालकर इसे हम स्वाद अनुसार नमक इसे फेंट लेंगे और फेंट कर इसे हम अच्छे से फेंट मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको में पानी इसको थोड़ा रख देंगे ज़्यादा। अब इसमें देखिए कढ़ाई रख दी, कढ़ाई गर्म हो चुका है और इसमें हम तेल रखे हैं, तेल और खड़ा जीरा रख दिए, तेज़पात रख दिए, 2 खड़ी
लाल मिर्च रख दी है। देखिए यह चटक गया है, अब यह चटक गया है अच्छी तरह से। अब इसको चटकने देंगे। चटकने के बाद अब यह इसमें हम डालेंगे जो बनाए थे बेटर, और थोड़ी सी मेथी रख देंगे, और मेथी भी चटक जाएगा, इसका कलर आ जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे बेटर। बेटर को डालकर देखिए बेटर डाल रहे हैं। डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। चलाते हुए अच्छी तरह से चलाते रहेंगे एक तरफ साइड में, और चलाते जाएंगे और धीरे लो मीडियम हॉट कर देंगे ताकि यह पके, और पककर इसका कलर भी अच्छा आए। यह देखिए हम मीडियम हॉट कर दिए हैं और इसे हम चला रहे हैं। यह अच्छी तरह जब पक जाएगी तो इसका कलर बिल्कुल खिल जाएगा और खिलकर तैयार हो जाएगा। देखिए अब यह पक चुकी है। देखिए इसका अच्छा कलर कितना अच्छा देखने में लग रहा है। अब हम इसमें हम डाल देंगे पकौड़े, ढेर सारे पकौड़े, और पकौड़े डालकर इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। देखिए पकौड़े हमने डाल दिए हैं। अब इसको एक बर्तन में हम बहुत सारे पकौड़े डाल रहे हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए निकाल लिए इसको बर्तन में। अब इसमें हम तड़का देने के लिए एक छोटी सी हमने कलछुल ले ली है, इसको गैस पे चढ़ा देंगे। देखिए हमने एक छोटी सी कलछुल ले लिया, कलछुल लेकर गैस पे चढ़ा देंगे इसमें, और इसमें हम डालेंगे तेल और कश्मीरी लाल तेल और जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च। मिस हो गया और सिर्फ तड़का कट गया था और सिर्फ तड़का दिए हैं तो आपको दिखाई दे रहा है। वो इसमें हम डाले थे तड़का में कश्मीरी लाल मिर्च, तेल डाले थे, तेल जब टक गया था तो जीरा, और नीचे उतार कर हम डाले थे कश्मीरी लाल मिर्च और दो लाल मिर्च, जिससे इसका लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी और लाजवाब लगेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।